तो बच्चों अब हम अपनी सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एलजेब्रा। एलजेब्रा आपके फर्स्ट और सेकेंड टर्म में इक्वली डिवाइडेड है। फर्स्ट टर्म में आप एलजेब्रा में पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स, जिसका कुछ पार्ट आप ऑलरेडी नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं, और जो सेकेंड चीज आप पढ़ते हैं वो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये भी आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ रखा है। इन दिनों का वेटेज फर्स्ट टर्म में है 23 मार्क्स का, 23 मार्क्स। तो ये आप सोच ही सकते हैं कि दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकेंड टर्म में आप पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इन दोनों का वेटेज भी 23 मार्क्स का ही है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स से। पॉलिनोमियल्स, बच्चों पॉलिनोमियल्स के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लास में, हम यहां पे थोड़ा सा पॉलिनोमियल्स को रिवाइज कर लेते हैं। एन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्म पी एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड ए एन एक्स टू द पावर एन, वेयर ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री एन। ये जो एक्सप्रेशन है इसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। यहां पर जो पी एक्स है वो हमने देखा था, ये नाम होता है इस पॉलिनोमियल का। पी एक्स क्या है? इस पॉलिनोमियल का नाम है। और ये नेमिंग हम कैसे करते हैं? कोई भी एक सिंबल ले लेते हैं, जैसे इस केस में हमने पी ले रखा है, यहां पर हम कोई दूसरा सिंबल भी ले सकते हैं जैसे एफ क्यू और कुछ भी ले सकते हैं। ये ब्रैकेट में जो एक्स लिखा है वो इस पॉलिनोमियल में आने वाले वेरिएबल्स का नाम लिखा है। जैसे यहां पर एक ही वेरिएबल है एक्स, तो हमने यहां पर लिख दिया एक्स। अगर यहां पर दो वेरिएबल्स होते तो यहां पर भी दो वेरिएबल लिख देते, सपोज एक्स एंड वाई अगर वेरिएबल होते तो यहां लिखते एक्स कॉमा वाई। इस डेफिनेशन में हमने एक और वर्ड का भी यूज करा है, वो है डिग्री एन। तो ये डिग्री क्या चीज है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। आपको याद आ रहा है कुछ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री इस पॉलिनोमियल में आने वाले वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी। इसमें एक ही वेरिएबल है एक्स, उसकी हाईएस्ट पावर है टू, सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज टू। अब हमें एक और पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस टू, इस वाले पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री क्या होगी? देखिए यहां पर एक वेरिएबल है एक्स, दूसरा वेरिएबल है वाई, तो इसकी जो पावर्स का सम होगा टू प्लस वन, जो हाईएस्ट सम होगा वही हमारी डिग्री होगी, इस केस में वो थ्री है। बच्चों हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से हम डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कौन से पॉलिनोमियल होते हैं? जिनकी डिग्री, जिनकी डिग्री वन होती है। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई प्लस वन, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री टू हो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। वैसे अगर डिग्री थ्री होती तो हमारे पास आ जाता क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री फोर होती तो आ जाता हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड सो ऑन। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, तो सपोज हमारे पास पे कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स जिसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब हमसे कहा जाता है
कि px की वैल्यू फाइंड करें, वैल्यू ऑफ px व्हेन x इज इक्वल टू 2। जब x इज इक्वल टू 2 होगा तो आप px की वैल्यू फाइंड करिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर x की जगह 2 रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा p 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 प्लस 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 7। और सपोज कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको कहा जाए वैल्यू ऑफ पी एक्स फाइंड करनी है व्हेन एक्स इज इक्वल टू समथिंग, सम वैल्यू दे रखी हो, और जैसे आप इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो यहां पर 0 आ जाए। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, हमें दे रखा है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, फाइंड वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x इज इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 पे हमें पी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, बहुत आसान है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 दे रखा है, x की वैल्यू 3 डाल देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा p3 इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 माइनस 6 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम कोई x की वैल्यू p के अंदर रखें और हमारे पास 0 आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं 0 ऑफ पॉलीनोमियल। तो अगर पॉलीनोमियल दे रखा है हमारे पास पी एक्स, उसके अंदर हम कोई भी रियल नंबर डाल दें, ए इज अ रियल नंबर, रियल नंबर, कोई पॉलीनोमियल दे रखा है पी एक्स, उसके अंदर हम ए रख देते हैं वेर ए इज रियल नंबर, देन इफ पी ए इज इक्वल टू 0 देन ए इज कॉल्ड 0 ऑफ पॉलीनोमियल, 0 ऑफ पॉलीनोमियल। ये भी हम देख चुके हैं पहले ही, इसको बस हम रिवाइज कर रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ नया पढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो बच्चों पहले तो एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल देखते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर हम इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के कॉफिशियंट की बात करें तो हम देख सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट है वो है ए, जो एक्स का कॉफिशियंट है वो है बी, और एक कॉन्स्टेंट टर्म है वो है सी। अब हम अज्यूम करते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल पी एक्स, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पी एक्स। अब इस अल्फा बीटा के बीच में और इस ए बी सी जो कॉफिशियंट हैं इसके बीच में एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है, हम उसी रिलेशनशिप को देखना चाहते हैं। तो आपने बच्चों फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी लास्ट ईयर, फैक्टर थ्योरम में हमने देखा था कि अल्फा और बीटा ये जो दो है वैल्यूज हैं अगर उनको हम पॉलीनोमियल में डालते हैं, इट मींस इफ पी अल्फा इज कमिंग आउट टू बी 0 देन एक्स माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। सिमिलरली इफ पी बीटा इज इक्वल टू 0 इट मींस एक्स माइनस बीटा इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। इस थ्योरम का नाम था फैक्टर थ्योरम, कुछ याद आ रहा है? इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं जे फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। यहां पर के क्या है, के कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है, के इज एनी कांस्टेंट, के की वैल्यू 1 भी हो सकती है,
के कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, इसके लिए आप बहुत ज्यादा परेशान ना हो। नेक्स्ट स्टेप हम ये करते हैं कि एक तो ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं और दूसरा इस के की वैल्यू को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, देखते हैं क्या आता है। a अपॉन के एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन के एक्स प्लस सी अपॉन के इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। देखिए इस वाले टर्म में इन दोनों क्वांटिटीज में से x और माइनस साइन कॉमन आ रहा है, ठीक है उसे बाहर निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड के इक्वेशन और राइट हैंड साइड के इक्वेशन के जो कॉफिशियंट हैं उन्हें कंपेयर करके देखते हैं। देखिए यहां पर कॉफिशियंट है एक्स स्क्वायर का a अपॉन के, यहां पर कॉफिशियंट है एक्स स्क्वायर का 1, तो हम लिख लेते हैं a अपॉन के इक्वल टू 1। अब x के कॉफिशियंट अगर कंपेयर करना चाहें तो x का जो कॉफिशियंट इधर है by के और इधर x का कॉफिशियंट क्या है माइनस अल्फा प्लस बीटा, सो b अपॉन के इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा। वैसे यहां पर है कॉन्स्टेंट c अपॉन के और यहां पर है कॉन्स्टेंट अल्फा बीटा, सो c अपॉन के इक्वल टू अल्फा बीटा। तो इस वाले रिलेशनशिप से हम देख सकते हैं कि a इज इक्वल टू के आ रहा है। अगर a की वैल्यू k के इक्वल है तो यहां पर भी हम k की जगह a लिख सकते हैं और यहां पर भी हम k की जगह a लिख सकते हैं, ठीक है इसे लिख लेते हैं b अपॉन a इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा। यहां पर लिखेंगे c अपॉन a इक्वल टू अल्फा बीटा। आगे देखते हैं, अब इस रिलेशनशिप को हम छोड़ देते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इन दोनों के ऊपर फोकस करते हैं। देखिए यहां पर आ रहा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए, सो सम ऑफ जीरोज अल्फा एंड बीटा वर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, सो सम ऑफ जीरोज इज कमिंग आउट टू बी माइनस ऑफ बी बाय ए विच इज माइनस ऑफ कॉफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और दूसरा रिलेशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म सी डिवाइड बाय कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाय कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया हमारे सामने, ये आपको बहुत ज्यादा यूज में आएगा इस चैप्टर में भी और आगे आने वाले चैप्टर्स में भी। इसको अच्छे से रट डालिए, इसको एकदम याद कर लीजिए। इस रिलेशनशिप को मैं एक बार और लिख देता हूं थोड़ा साफ अच्छे तरीके से। इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ पी एक्स पॉलिनोमियल पी एक्स वेयर पी एक्स इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सेकेंड थिंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा इज गिवन बाय पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये दोनों ही रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। तो जो हमने अभी अभी थ्योरी पढ़ी है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन एंड
verify the relationship between the zeros and the coefficients. ठीक है, हम ये बहुत आसानी से कर सकते हैं, हमने खूब करे भी हैं इस टाइप के क्वेश्चंस. हमें दे रखा है कि जो px है वो है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का क्या मतलब हुआ कि हमें इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. अगर हमने इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए तो हमें बहुत ही इजीली उसके जीरोज भी मिल जाएंगे. अब इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने का क्या तरीका है भाई, हमने पढ़ा है मिडिल स्प्लिटिंग टर्म. हमारे बीच वाले टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि उसका एडिशन तो बनेगा बीच वाले टर्म और मल्टीप्लीकेशन बनेगा एक्स स्क्वायर और कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लीकेशन. देखिए कैसे, इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10. तो 5 प्लस 2 7 आ रहा है, 5 इंटू 2 10 आ रहा है, और 10 और एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट क्या है 1, सो 1 इंटू 10 इज 10. इसका मतलब हमने सही स्प्लिट करा है इसे. अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स प्लस 5 बचा. इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो अब क्या बचा यहां पे, एक्स प्लस 5 बचा. अब इस पूरी टर्म में से एक्स प्लस 5 कॉमन आ रहा है, इसे भी निकाल लेते हैं, एक्स प्लस 5 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, एक्स और प्लस 2, सो एक्स प्लस 2 अंदर बचा. सो एक्स प्लस 5 एंड एक्स प्लस 2 आर फैक्टर्स ऑफ पी एक्स. इसका मतलब हमारा अल्फा और बीटा क्या होंगे, अल्फा विल बी माइनस 5 एंड बीटा विल बी माइनस 2. सो जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 आर माइनस 5 एंड माइनस 2. अब हमें इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है, जो रिलेशनशिप हमें हमने पीछे निकाला था, कौन सा रिलेशनशिप था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए. ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इट मीन माइनस 5 प्लस माइनस 2, माइनस 5 प्लस माइनस 2 इक्वल टू माइनस बी बाय ए. तो यहां पर इस वाली इक्वेशन में हमारे पास बी क्या है, बी है माइनस 7, सो माइनस 7 अपॉन, और ए क्या आ रहा है 1, तो 1 आ गया. लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 7. राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, माइनस 7. LHS इक्वल टू RHS, सो वी हैव वेरीफाइड दिस रिजल्ट. इससे भी वेरीफाई करके देख लेते हैं, अल्फा की वैल्यू है हमारे पास माइनस 5, बीटा की वैल्यू है हमारे पास माइनस 2, और सी की वैल्यू क्या है 10 है, और ए की वैल्यू क्या है 1, तो 10 अपॉन 1. माइनस 5 इंटू माइनस 2 इज 10, और यहां से भी 10 आ रहा है. अगेन LHS इक्वल टू RHS, तो हमने हमारे रिजल्ट को वेरीफाई कर लिया है फ्रॉम रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स. चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रूट 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4√3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट. चलिए बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, हमारे पास यहां पर px दे रखा है रूट 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4√3. इसको हम वापस हमारे मिडिल स्प्लिटिंग टर्म वाले मेथड से सॉल्व कर लेते हैं. माइनस 8 को ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन तो आए माइनस 8 और मल्टीप्लीकेशन आए रूट 3 इंटू 4√3 विच इज 12. तो रूट 3x स्क्वायर, अब इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं माइनस 6x माइनस 2x में, तो माइनस 6x प्लस माइनस 2 कितना होगा माइनस 8, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा 12, वही हमें चाहिए था. इन दोनों टर्म में से रूट 3x कॉमन आ रहा है, निकाल लेते हैं. रूट 3x कॉमन आया तो क्या बचा, x माइनस 2√3, और यहां पर क्या कॉमन आ रहा है माइनस 2, माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या बचा, x माइनस 2√3. एक्स माइनस 2√3 यहां भी है, एक्स माइनस 2√3 यहां पर भी है, इन दोनों जगह से इसे कॉमन ले लेते हैं, तो अब आ जाएगा एक्स माइनस 2√3
और यहां आ जाएगा रूट थ्री एक्स माइनस टू. सो एक्स माइनस टू रूट थ्री एंड रूट थ्री एक्स माइनस टू आर दी फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल. इसका मतलब हमारे अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, टू रूट थ्री, और बीटा की वैल्यू क्या आएगी, टू बाय रूट थ्री. अब हमें इस रिजल्ट को वेरीफाई भी करना है, ये जो जीरोज हमारे पास आए हैं इन्हें वेरीफाई भी करना है कि ये सही आए हैं या नहीं आए. तो अल्फा प्लस बीटा शुड इक्वल टू माइनस बी बाय ए. यहां पर बी क्या है, माइनस एट. तो रख देते हैं सबकी वैल्यूज, टू रूट थ्री प्लस टू बाय रूट थ्री इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस एट. और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है रूट थ्री, तो यहां रूट थ्री रख दिया. इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा रूट थ्री एलसीएम, और यहां आ जाएगा टू इंटू रूट थ्री इज थ्री प्लस टू विच इज इक्वल टू सिक्स प्लस टू बाय रूट थ्री. और इसे भी सॉल्व कर ले तो एट बाय रूट थ्री आएगा, एट अपॉन रूट थ्री. सो सिक्स प्लस टू इज एट, तो यहां पर भी 8 बाय रूट थ्री आ रहा है, यहां पर भी 8 बाय रूट थ्री आ रहा है. एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, इसका मतलब हमारा रिजल्ट वेरीफाई हो गया. इसको प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले से भी वेरीफाई कर लेते हैं. अल्फा इंटू बीटा शुड इक्वल टू सी बाय ए. हमारे पास यहां सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है फोर रूट थ्री, फोर रूट थ्री. और ए की वैल्यू क्या है, रूट थ्री, इसको रूट थ्री लिख दिया. अल्फा इंटू बीटा यानी कि टू रूट थ्री इंटू टू बाय रूट थ्री. इसमें रूट थ्री और रूट थ्री कैंसिल हो जाएंगे, यहां पे भी रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा. टू इंटू टू इज फोर एंड हियर ऑल्सो फोर. सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस एंड हेंस वी हैव वेरीफाइड दिस रिजल्ट. तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हूज जीरोज आर माइनस फाइव एंड सिक्स रेस्पेक्टिवली. हमें क्वेश्चन में दे रखा है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, वो कितने हैं, माइनस फाइव एंड सिक्स. तो इसको सॉल्व करते हैं. पहले तो लिखते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px. हमारे पॉलिनोमियल का नाम दे दिया px. अभी हमने थोड़ी ही देर पहले पढ़ा था कि अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा इज गिवन बाय px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. बस अब हमें कुछ नहीं करना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां रखनी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहां रखनी है. तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, यहां दे रखा है सम ऑफ जीरोज है माइनस फाइव, तो यहां माइनस फाइव लिख देते हैं. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है सिक्स, तो यहां अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सिक्स रख देते हैं. तो अल्फा प्लस बीटा माइनस फाइव है, इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. अल्फा इंटू बीटा सिक्स है, इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो जो हमारा पी एक्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स. इसको आगे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएंगे, प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स. दिस इज आवर आंसर. तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करके देखते हैं. हमें क्वेश्चन दे रखा है इफ वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. चलिए करके देखते हैं. लेट वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज अल्फा, देन अदर जीरो विल बी वन अपॉन अल्फा. ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज अल्फा तो अदर वन विल बी रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन, विच मीन्स वन अपॉन
अल्फा। अब हम जानते ही हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इस मीन्स अल्फा इंटू वन अपॉन अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहां पर सी क्या है, सिक्स ए है, लिख लेते हैं सिक्स ए, और डिनोमिनेटर में जो ए आना चाहिए वो क्या है यहां पर ए स्क्वायर प्लस नाइन, इसको लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस नाइन। अब देखिए ये अल्फा से ये वाला अल्फा कैंसिल हो सकता है, कर देते हैं। दिस इंप्लाइज वन इज इक्वल टू सिक्स ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस नाइन। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस नाइन इक्वल टू सिक्स ए। दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। बच्चों अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली टर्म बन रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। इस a की जगह तो यहां a ही है, ए स्क्वायर आ गया। इस b स्क्वायर की जगह यहां पर हम लिख सकते हैं थ्री स्क्वायर, और इस माइनस सिक्स का क्या करेंगे, इसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे माइनस टू इंटू ए इंटू थ्री। देखिए क्या आता है, इसको मैं ऐसे लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर माइनस टू इंटू थ्री इंटू ए विच इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज ए माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ए माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। दोनों साइड हमने अंडर रूट लिया तो अंडर रूट जीरो क्या होता है, जीरो ही रहता है। दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू थ्री, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई थ्री। दिस इज आवर आंसर।